गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा पांचवी। अध्याय संख्या है 16, पृष्ठ संख्या है 81, मुहावरे। बच्चों, आज का विषय जो है हमारा, आज हम शुरू करेंगे मुहावरे। आज की कक्षा में हम मुहावरे के बारे में जानेंगे कि मुहावरे क्या है। ओके, देखिए, जो वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या कहा गया है बच्चों? जो वाक्यांश, जो भी हमारे वाक्य लिखे हुए होते हैं, जो वाक्यांश हमें सामान्य नॉर्मल उसका अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। भाषा को सरस, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखो क्या कहा गया है, जो वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष कुछ अलग अर्थ हमें प्रकट करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाती हैं। भाषा, जो भी हमारे हम जो लिखते हैं उसकी भाषा को सरस, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, ये वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्टूडेंट, जो ये मुहावरा है इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है और ये वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होते हैं। मुहावरों का क्रियापद वाक्य बनाते समय लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनके विशेषता है, विशेष है कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, अर्थ और उनको वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाया गया है। देखिए मुहावरे, अगर मगर करना, इसका अर्थ है बच्चों टाल मटोल करना। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है जब आपसे आपकी कक्षा अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, जब आपको नहीं आता है तो आप अगर मगर में उत्तर देते हैं, टाल मटोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, उस चीज को घुमाना, आप उस चीज को घुमाते हो, टाल मटोल करते रहते हो। तो वही है स्टूडेंट्स हमारा, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य में देखिए क्या है, माँ ने सोनू से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। ऐसा ही होता है बच्चों आपके साथ भी, जब भी आपको कोई कुछ कार्य देते हैं पढ़ने के लिए, आपकी मम्मी बोलती है, टीचर बोलती है आपको, तो आप भी अगर मगर करने लगते हो, टाल मटोल करने लगते हो। के स्टूडेंट्स, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, माँ ने सोनू से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। ओके, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। क्या कहा गया बच्चों? आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर यात्री की आंखों में धूल झोंककर उसका सामान लेकर भाग गया। देखिए स्टूडेंट्स, धोखा देना, आप धोखा देते हैं, जैसे आपकी मम्मी बोलती है आपको पढ़ने के लिए, तो आप क्या करते हो, बुक किताब को खोलकर बैठकर पढ़ते नहीं हो। तो स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे हो, आप अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हो, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो, है ना स्टूडेंट्स, आप तो पढ़ नहीं रहे हो। तो यही है, ऐसे ही चोर यात्री की आंखों में धूल झोंककर उसका सामान लेकर भाग गया। और भी स्टूडेंट्स आप वाक्य बना सकते हैं इससे संबंधित, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। स्टूडेंट्स जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो कार्य करके, तो आप बोलते आज मेरा अंग अंग ढीला हो गया, बहुत थक जाना। 8 घंटे लगातार परिश्रम करके के कारण मजदूर का अंग अंग ढीला हो गया। अंग अंग ढीला बच्चों, बहुत थक जाना, 8 घंटे लगातार, जैसे आप पढ़कर थक जाते हैं, 8 घंटे लगातार परिश्रम करने के कारण जो है वो मजदूर का जो है अंग अंग ढीला हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।